ये क्रिमिनो का बच्चा है इसमें। अब देखते हैं ये क्रिमिनो निकलता है या अल्बाइनो निकलता है। और दो यूविंग के बच्चे हैं, एक ग्रीन यूविंग, एक ब्लू यूविंग, एक सादा फिश, प्योर फिश का बच्चा है। इन्हें हम रिंग डालेंगे और आपको दिखाते हैं कि हम कितना डालेंगे। पहले मैं आपको अपनी रिंग दिखा दूँ कि मैं वहाँ से मेरे एवरिंग बन कर आई हैं। ये रही मेरी रिंग, मैंने बनाई है, आपको दिखा देता हूँ। देखो मैम, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। हाँ जी, देखिए फोकस नहीं हो पा रहा, आप देख लें। हाँ जी, देखिए एफ एस एवरी को प्रिंट करवाया मैंने अपने एवरी का, और 2022 अभी इसको हम जो फर्स्ट नंबर है पहले बच्चे को पहली इस साल की रिंग पे नाते हैं। मैं रिंग ले निकाल लूँ। हाँ जी, देखिए मेरे साल की पहले साल की पहली रिंग 01 एफ एस एवरी। अच्छा, अच्छे बहुत अच्छी रिंग बनी हुई है। अब हम इसे अपने डाल देते हैं बच्चे को। ये वो बच्चा है रेड आइज, इसे हम डालेंगे। ये क्रीमियो के अंदर से निकला हुआ है बच्चा, शायद अभी छोटा है, शायद अगर ना भी डाला तो फिर बाद में डालेंगे। फिर भी आपको तरीका बता देंगे कि आपने किस तरह डालनी है। ये जो बड़ी ये उंगलियाँ होती हैं वो आपने आगे रखनी है, जो इसका अंगूठा है वो आपने पीछे पीछे रख कर लेना है। फिर आसानी से आपको ये रिंग डाल जाएगी इसकी। माशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, पहले साल की माशाल्लाह पहली रिंग, पहली बीड, पहली रिंग डाल गई है माशाल्लाह से। अब दूसरे बच्चे को भी इसी तरह डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आमतौर पर जो रिंग डलती है ना वो 15 से 20 दिन के बच्चे को डल जाती है। अब हम यूविंग का बच्चा है इसको डाल देते हैं। ये ग्रीन यूविंग है और रेड ब्लू से डाल लेते हैं। इसे डाल के हम कुछ करते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्लू यूविंग है क्योंकि यूविंग का कोई स्प्लिट नहीं होता, या ब्लू ब्लू होगा या फिर मूव में होगी। इसे भी हम रिंग डाल लेते हैं। ये थोड़ा छोटा है उस हिसाब से इसको नंबर 4 रिंग डाल रहे हैं, क्योंकि टू नंबर ढूंढनी है दूसरा नंबर, इसलिए वो जो बड़ा है उसको फिर नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये 3 बड़ी उंगलियां हैं इनको हमने आगे ऐसे करना है, जो पीछे जो अंगूठा है इसको पीछे मोड़ लेना है। फिर आपने इसे इसे करके आसानी से डाल देना।
पाँव बंद कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा काम खराब होता है, बाकी मच्छर जल्दी डर जाते हैं। मच्छर से पहले दूसरी रिंग भी मच्छर डल गई है यूविन को। अच्छा देखिए कितना अच्छा बच्चा है माशाल्लाह से। बाकी मैं रिंग आपको नंबर ढूंढ के डाल के दिखाता हूँ, वो भी आसानी से हमारे पास डल जाएंगी, जो कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ आपने ये करना है, मैं आपको बड़ा बर्ड भी पढ़ कर दिखाता हूँ कि आपने रिंग किस तरह डालनी है, फिर भी ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि आपने रिंग किस तरह डालनी है। ऐसे मैंने बड़ा पकड़ लिया है, फिर रिंग माशाल्लाह डली हुई है। अब वैस भाई की ब्लड लाइन है माशाल्लाह, फिर देखें वैस भाई की ब्लड लाइन है पावलू। ऐसे आपको मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे जो एक मिनट बड़ा है फिर तो तंग होगा, ये जो बड़ी तीन उंगली है ना, ये आगे करके आपने जो अंगूठा है वो आपने इस तरह पीछे मुँह कर लेना है, फिर इस तरह पकड़ के आपने आगे से आपने इसको रिंग डाल देनी आसानी से। ये सिर्फ बड़ी वाली तीन उंगलियां आपने आगे करनी है, अंगूठा और पीछे कर लेना है ताकि आप आसानी हो, क्योंकि ये जो है ना, जैसे अगर आप इसको भी आगे करेंगे जैसे मोटा हो जाएगा, फिर रिंग सही तरह जलेगी नहीं। आपने तीन उंगली आगे करनी है और ये एक पीछे करके आसानी से आप रिंग डाल दें और आपका जो है रिंग डल जाएगी। जो बात रह गई कि हम रिंग क्यों डालते हैं, इसके मतलब में मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल से। तो फिर ये आखिरी बच्चा रह गया है, मैं दिखा देता हूँ। अब हम इसे रिंग डाल देते हैं, देखिए रिंग नंबर दो, ये देखिए चलते ये डालते हैं इसके पाँव में। आपको मैंने तरीका भी बता ही दिया कि आपने किस तरह डालना है, कौन सी तीन उंगलियाँ पकड़नी है। फिर मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, आपने ये बड़ी तीनों उंगलियाँ जो थी आगे करके अंगूठा पीछे कर लेना है, इस तरह हो जाएगा। इसको आपने आसानी से इसमें डाल देना। आपने ख्याल रखना है कि इनके नाखून जो सीधे हो जाएं, ये ना हो कि मोड़े हों, आप ज़बरदस्ती करें उससे पाँव या उंगली या नाखून टूट भी सकता है, तो आराम से करें आसानी से हो जाएगा। जो ऐसे होगी तीनों को ऐसे पढ़ के डाल देते हैं हम। माशाल्लाह फ्रेंड्स ये गई यूविंग को भी डल गया रिंग, माशाल्लाह से रिंग डल गया इसके पाँव में। थोड़ा सब ये जो मेरा पैर नहीं था मूव ऑफ फिशरी का, ये उसका बच्चा है, और जो मेरे क्रीमिनो और अल्बाइनो का पैर लगाया हुआ मैंने जो रह रही था, वो उसका बच्चा था, जो कुछ अंडे इनफर्टाइल हो गए थे क्योंकि नया पैर था, नई ब्रीड थी, इस वजह से ये इनफर्टाइल हो गए। जो उसके थे वो भी दो खराब हो गए थे, लेकिन डैमेज कल हो गए थे टेम्परेचर की वजह से, मसल की वजह से किचरिंग जूमिंग के भी दो बच्चे थे, चार बच्चे हो गए, चार तीन हो गए, या एक फिशर का प्योर फिशर का बच्चा था वो मैंने रखा होता है। तो मैं अलग बताता हूँ आपको कि रिंग डालना क्यों ज़रूरी होता है। रिंग हम इसलिए डालते हैं ताकि जब हमें खेल करना हो तो हम पेपर के बारे में उसे किसके माँ बाप कौन से थे, हम लोग से दस्तावेज में देखे हुए लिखा होगा, जब PDF कन्वर्टर में करके कंप्यूटर में रखा होगा, हम इस चीज़ों के देखेंगे कि हाँ ये इस प्लेयर का बच्चा है, ये रिंग नंबर इतना अच्छा है, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। अगर वो बंदा तीन साल बाद भी आता है और हमसे पूछता है कि यार माँ बाप वो अपने पढ़ ले गया 2022 में, ठीक है, तो उसमें जो पे रिंग नंबर ये है तो किसका बच्चा था, यानी उसके पेरेंट क्या थे, आप आसानी से निकाल के अपने बता सकते हैं अगर आपने रिंग डाली हुआ लिखा हुआ है तो, ठीक है। इसके नुकसान तो फिलहाल कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले कह रहा था कि फायदे नुकसान करूँगा, नुकसान तो कम ही है, बस ये होता है कि सर्दी में थोड़े ठंडे हो जाते हैं, बस तो बर्ड में थोड़ी बहुत सर्दी लग जाती है, मगर जब बर्ड बॉक्स में होता है और तीन चार बच्चे होते हैं तो फिर ये रिंग गर्म ही हो जाती है, क्योंकि बॉक्स में जब हीट हो जाती है बच्चों के बैठने से, क्योंकि जब बच्चे होते हैं उनमें हीट थोड़ी ज़्यादा नहीं होती है, जिस वजह से फिर बॉक्स गर्म रहता है, इतनी जल्दी ठंडे नहीं होते रिंग, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें ये फायदा है रिंग की, रिंग डालें अगर आप
हमें रिंग डालेंगे तो मे भी फिर बेचने में भी आसानी होगी कि अगर किसी से रिंग खरीदना है तो फिर रिंग डालेंगे तो उससे लेने में भी आसानी होगी और हमें जो उसकी पेडिग्री मेंटेन करने में भी आसानी होगी। हालांकि अगर हमने बर्थ क्रोनी भी छोड़ दिया, बहन भाई भी इकट्ठे छोड़ दिया, अगर हमने रिंग डाले होंगे लिखा होगा तो हमें पता होगा कि ये बहन भाई हैं, ये इस पेड़ के बच्चे हैं और ये इस पेड़ के बच्चे हैं, हमने इस पेड़ को इस पेड़ के साथ वेट करवानी है। ठीक है, ये हम इन बीट से टोटल क्या है कि हम इन बीट से बच जाते हैं रिंग डालने की वजह से। आप रिंग डालें अपने बर्थ से अच्छी बीट लें और वो भी खुश होंगे, आप भी खुश हो उनकी बीट से। ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी मसला हो, मसाइल हो यानी कि बीट बर्थ से मुतल के, तो हमें चैनल पे आ सकते हैं और उनके साथ कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं वीडियो नहीं बनाई तो हम कमेंट कर लेंगे, चलो आपको बताऊँगा। अगर ज़्यादा डिटेल में हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ जो भी होगा फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अच्छी वीडियो प्लीज़ नहीं अल्लाह हाफिज़।